हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री की ओर से हमने एक खास वीडियो प्रेम के ऊपर तैयार की है। जैसे बाइबल बताती है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, और बाइबल में ये भी लिखा है, जैसे 1 यूहन्ना 4:7-8 में, कि परमेश्वर प्रेम है, और जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारा विश्वास है कि इस वीडियो में दिए गए मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे और आप परमेश्वर के प्रेम में भर जाएंगे। आमेन। हाँ, सब बताता हूँ। तुम ना ये बैग रखो और थोड़ा पानी ले आना, मैं भी चेंज कर लूँ। फिर मैं भी जल्दी सोने वाला हूँ। पापा आ गए हैं। अलीशा तुम खेलो, मैं ना चेंज करके आता हूँ, ठीक है? मुझे सोना है, वो तो सोने वाली है नहीं अभी जल्दी। अलीशा खेलो खेलो, मैं आता हूँ अभी चेंज करके, ठीक है? बाय अलीशा। अलीशा अलीशा, रिबिका पानी ले आओ जल्दी। हाँ हाँ आ रही हूँ, थोड़ा गर्म कर रही थी पानी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ मम्मा आ गए, दूध पीना आप। पापा आ गए हैं। बहुत खुश हो रही है ये अलीशा। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो तब जाते टाइम ही ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा। तो फिर प्रभु ने हाथ देकर बचाया मुझे तो। और उसके बाद बहुत बड़ी खुशी मिली हम सबको। प्रभु ने, बॉस ने ना मेरी प्रमोशन कर दी है, और प्रभु का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद है। और ये सब ना तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर है, जो तुम प्रभु में लगी रहती हो ना, तो उसी कारण ये सारा कुछ आज हुआ है। निशा धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु हमें संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल। माँ कहाँ पे है रिबिका? माँ तो सो गई। हाँ मैं थोड़ा लेट भी हो गया ना। खाना बनाया है मैंने, खाना लेकर आऊँ थोड़ा? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं लेट भी इसीलिए हुआ क्योंकि दोस्तों ने पार्टी मांग ली। एक तो उनको पार्टी दी, तब उनके साथ ही फिर मैं भी खाना खा के आ गया। तो अभी सुबह मैंने ना जल्दी ऑफिस जाना है, मैं सोने लगा हूँ। आप इसे दूध पिलाओ और आप सो जाना, मैं सोने लगा हूँ, रेस्ट करनी है। तो सुबह जल्दी उठना मुझे, ठीक है? अलीशा गुड नाइट। दूध पीने चले? सो मैं भी सोने लगा हूँ। अरे जे बेल कौन बजा रहा? रिपिका, ओ रिपिका जरा जल्दी बाहर आना। अरे आना। आप बुला रहे थे माँ जी? बुला रही थी, मैं तो कुत्ते की तरह चिल्ला रही हूँ। पता नहीं 2 घंटे से अंदर क्या कर रही थी। माँ जी मैं तो प्रार्थना कर रही थी। हाँ हाँ बड़ी आई प्रार्थना करने वाली, जा बाहर देख कौन है। जी माँ जी। और अस्तर कैसी हो, घर पर सब कैसे हैं? हाँ दीदी घर पे सब बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो? अरे तुम अकेली आई हो, जीजू कहाँ पर है? हाँ दीदी वो ना काम के सिलसिले में ना थोड़ा बाहर गए हैं, 2 हफ्ते बाद ही आएंगे। अरे मेरी प्यारी बेटी, इसे जहाँ खड़ी रखोगी बिठाओगी नहीं, जाओ जाके चाय पानी का इंतजाम करो। जी माँ जी। अब बैठो जा। और तब गर्मी सब ठीक ठाक है? हाँ माँ गर्मी सब अच्छी है। बेटी
आज अचानक कैसे आना हुआ? कोई खुशखबरी है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं प्रभु हमारी कब सुनेगा। और जमाई राजा क्यों नहीं आए साथ? माँ वो ना किसी काम के सिलसिले में 2 हफ्ते से बाहर गए, बाद में आएंगे। रिपिका कितना टाइम लगाएगी, जल्दी आना। मांजी चाय के साथ घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तेरे भाई बहन के लिए तो सब कुछ होता है। मांजी कल आप बाजार गए थे, मैंने आपको बोला था पर आप लेकर नहीं आए, आप भूल गए थे। हाँ हाँ, सारा दोष मेरे सर पर डाल दूँ। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत करो, हम अकेली चाय ही पी लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जे कोई भी काम ना सही ढंग से नहीं करती। चलो छोड़ो, चाय पियो। अब मेरे सर पर खड़ी रहोगी? जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। जी माँ जी। और माँ अलीशा काम पे है? वो तो सो रही है बेटा। ठीक है। अरे भाभी, अलीशा उठ गई? मैं इसी के बारे में पूछ रही थी। हाँ उठ गई है माँ जी। अलीशा पकड़िए आप इसे, मैं खाना बना रही हूँ। अरे अस्त, तुम कब आई? बस अभी भैया थोड़ी देर पहले आई हूँ। और सब कैसे हो, गद्दे कैसे हैं? हाँ भैया सब अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो? जीजू कहाँ पे हैं? हाँ जीजू ना किसी काम से ना 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और बाद में। अच्छा ओके, चलो ठीक है। आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था। तो क्या हुआ, जल्दी आ गए हैं, घर पर तो आए हैं, जाओ जाकर खाना बनाओ। चलो माँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। बैठो एस्थर, साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा फ्रेश हो आता हूँ। वाओ माँ, भाभी ने पनीर बनाया है। उनको पता था कि मुझे पनीर बड़ा अच्छा लगता है, तभी बनाया पनीर। भाभी जल्दी जल्दी आओ ना, भूख लगी है। खाना डाल दो इसमें। ऐसे पकड़ो ये, अपने हिसाब से ही डाल लो, रख दो मुझे दो, मैं देता हूँ। रीशा आता हूँ, आप खाओ खाना। खाओ अस्तर, मैं भी खाती हूँ। नमक आके बंद करके डाला था, जहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके चम्मच लेकर आओ। माँ कितना टेस्टी खाना है, नमक भी बराबर है, लेकिन मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि आप भाभी को बात बात पर डांटती जा रही हो। अरे तुझे नहीं पता, अगर इसे मैं बोलूंगी नहीं तो ये सर पर चढ़ जाएगी। अरे चम्मच लेने कहाँ चले गई, जब खाना खा लेंगे तब लेकर आएगी। ये दीजिए। और जल्दी जा इसके लिए दूध लेकर आ। ठीक है माँ जी। माँ भैया कहाँ पे गए हैं? वो किसी का फोन आया था, बात करने के आता होगा, उसका तो खाना भी ठंडा हो गया।
दयाल जी, लाओ लीशा मुझे दे दो, मैं दूध पिला देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। बैठो भैया, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो एस्थर, क्या बात है? भैया माँ का व्यवहार भाभी के प्रति मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ वो बात तो है भैया, आप माँ को कुछ बोलती नहीं हो। अरे एस्थर तुम्हें भी पता है मैं माँ को क्या बोलूं। चलो खैर छोड़ो, मैं तो बस इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि रिबिका का मन बहुत अच्छा मन है, बहुत भला मन है। और रही बात ऐसी छोटी छोटी बातें तो तुम्हें भी पता है चलती रहती हैं, वो नहीं इन बातों का गुस्सा करने वाली। और रही बात माँ की, माँ को मैंने बहुत बार समझाया है असर, लेकिन माँ बस फिर से वही बातों का लेके। खैर मैंने तो बहुत बार समझाया, अब तुम समझा कर देख लेना। चलो भैया फिर मैं ही माँ से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी कर कर देख लेना। अब सही मौका है माँ को समझाने का। माँ मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी बेटा बोलो। माँ भाभी के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसा कि आप भाभी के बारे में सोचते हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हो, और बाइबल में भी लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, और फिर वो तो आपकी बहू है ना, बल्कि परमेश्वर ने आपको बहू नहीं बेटी दी है। माँ आप इन सब बातों को छोड़ो और आप खुद ही देख लेना कि भाभी आपसे कितना प्रेम करती है। माँ आप मेरे साथ बाहर चलो और सुनो माँ। भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो एस्थर। भाभी माँ आपको दिन भर बुरा भला ही बोलती रहती है, हमेशा आपसे गुस्से में ही रहती है, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं एस्थर, मैं उनको अपनी सास की तरह नहीं अपनी माँ की तरह ही समझती हूँ। अगर उन्होंने मुझे कुछ बोल भी दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एस्थर हम तो परमेश्वर में हैं, हमें परमेश्वर के भी सब आज्ञाओं को पूरा करना है ना। और एस्थर बाइबल भी हमें ये बताती है कि जैसे यूहन्ना 15:12 में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, फिर वो तो मेरी माँ है। एस्थर रोमियो 12:17 में भी लिखा है कि बुराई के बदले बुराई ना करो और जो बातें बली है उन्हीं की चिंता किया करो। और एस्थर अफेसियों 2:5 में भी लिखा है, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और एस्थर बाइबल में 1 यूहन्ना 4:7 में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और ये देखो एस्थर नीति वचन 7:1 में भी लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छो। अब एस्थर तुम ही बताओ मैं कैसे माँ की बातों का पूरा मानूं,
क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने उन्हें अपनी सास नहीं अपनी माँ ही समझा है। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तो कभी तुमसे बहू का प्यार भी नहीं दिया और ना ही कभी बेटी का, और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से भी दूर रही। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत कीजिए, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा है। अगर आपने मुझे कुछ बोल भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बेटी आज से मैं तुम्हें बेटी जैसे ही प्रेम करूँ। बेटी आज से मैं परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानूंगी और जैसा परमेश्वर ने सिखाया कर सभी से प्रेम कर वैसा ही प्रेम सभी से करूंगी। ऐसा बेटा प्रभु तुम्हें भी आशीष दे, अगर आज तुम मुझे ना सिखाती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती। चलो माँ अच्छा है आपको समझ आ गया, मैं तो आपको पहले कहती थी कि मतलब भाभी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, भाभी आपसे बहुत प्रेम करती है। बिल्कुल एस्तर, आज से इससे मैं बेटी की तरह ही प्रेम करूंगी, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर से है।